रब्बा सोनिया मुश्किल हल कर दे, रहमत कुल जहान दा वास्ताई, जिन्ना पाइया बशारत कुल उन्ना पाईमाना दा वास्ताई, साडे बाद रहमत दी कज रखी, तेनू तेरी सतारी दा वास्ताई, परेशानियां सब दिया दूर कर दे, तेनू तेरिया शाना दा वास्ताई। अल्लाहू कहना हरदम, अल्लाहू दुखना कोई दम, अल्लाहू वसदा अंदर, अल्लाहू मस्त कलंदर, अल्लाहू कहना हरदम, अल्लाहू दुखना कोई गम, अल्लाहू वसदा अंदर, अल्लाहू मस्त कलंदर। जे बंदिया राजी रहना, जे फिक्रा कुछ नहीं पैना, ते फड़ ले ओदा पल्ला, तू बेके कलम कल्ला, ते कर ले अल्लाहू 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 कहना हरदम, अल्लाहू दुखना कोई गम, अल्लाहू वसदा अंदर, अल्लाहू मस्त कलंदर। जे बंदिया राजी रहना, जे फिक्रा बिच नहीं पैना, फड़ ले ओदा पल्ला, तू बैके कलम कल्ला, ते कर ले अल्लाहू 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 कहना हरदम, अल्लाहू दुखना कोई गम, अल्लाहू वसदा अंदर, अल्लाहू मस्त कलंदर। अल्लाहू बेली जानी, अल्लाहू दुनिया फानी, अल्लाहू कादा शके, अल्लाहू हके हके, अल्लाहू बेली जानी, अल्लाहू दुनिया फानी, अल्लाहू कादा शके, अल्लाहू हके हके। ओ रमजा वाला रबे जिदे कब्जे विच सबे, ओ रुतबा आला खतामा बख्शन वाला, तू जप ले अल्लाहू 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 कहना हरदम, अल्लाहू दुखना कोई गम, अल्लाहू वसदा अंदर, अल्लाहू मस्त कलंदर। बड़ा अच्छा पढ़ा आपने। देखिए इसका रिदम लग के तो ये और ही चीज बन जाएगा, लेकिन कितनी इसमें तासीर है उसके बगैर ही, अल्लाहू जो मिलके बैठने जी। अपना इलामा साहब, फितराना के लिए कौन सा टाइम जरूरी है? अब लॉकडाउन हो जाएगा तो इसके अंदर टाइमिंग ऊपर नीचे की जा सकती है? जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। वैसे तो गरूब शम्स के बाद जो रात है ईद ईद की नमाज से पहले, ये सबसे, ये सुन्नत भी है और ये सबसे बेहतरीन टाइम है। लेकिन जिस तरह की आज हालात हैं और ये कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से, पे ही वो आप तो आज भी दे सकते हैं, आप अगर पहले भी दे सकते हैं, आज भी आप दे सकते हैं, कल दे सकते हैं, लेकिन ईद की नमाज से पहले पहले अदा करना है। तो अगर बेहतरीन टाइम तो यकीनन वही रात का है। फितराने का रमजान के साथ ये गहरा ताल्लुक है, वो क्या है? जी वो रमजान के साथ, क्योंकि होता यह है कि जैसे नमाज में, मैं इसको यूं से बताऊंगा कि जैसे नमाज में अगर कोई कमी रह जाए, कोताही रह जाए, तो सजदे सफ देना पड़ता है ताकि वो नक्स और कमी पूरी हो जाए। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में, महीने में रोजे रखते हैं, तो यकीनन रोजों के में कुछ ना कुछ नजर भटक जाती है, कभी कुछ समात में ऐसे अल्फाज आ जाते हैं, हमारे बोलने में गीबत आ जाती है, चुगली आ जाती है। तो ये फितराना जो है, एक्चुअली जैसे नमाज में सजदे सहव होता है, इस तरह ये
फितराना जो है वो रमजान के जो रोजों की कमी है उसको पूरा कर देता है। अच्छा, ये किस किस चीज में दिया जा सकता है? इसमें चार चीजें जो है वो गंदुम, जौ, किशमिश और खजूर का है। तो जो यूजुअली हम अपने कल्चर में अपने इलाके में इस्तेमाल करते हैं तो उस हिसाब से देना चाहिए। पैसे भी देते हैं? पैसे भी उसके इवज उतना दे सकते हैं। बाज़ उलेमा ने लिखा कि ऐसा नहीं, लेकिन जो जमहूर उलेमा है उन्होंने यही लिखा है कि आप उसके इवज, जैसे गंदुम का है तो हम क्योंकि यहाँ गंदुम इस्तेमाल करते हैं हमारी रोजमर्रा की खुराक में, तो कितने औज़ार में होने चाहिए? उसमें जो गंदुम है तकरीबन वो 1.25 किलो या कम से कम 2 किलो उस एहतियात में, एक बंदे का फितराना। और उसमें यह है कि वो आप उसकी कीमत दे दें, जैसे आजकल गालिबन कोई 45 से 50 रुपीज पर केजी है ये आपकी वीट जो है, तो आप उस हिसाब से अंदाजा लगा लें कि आपका तकरीबन कोई जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो कहा है वो तो 140 रुपए का है। एहतियातन मैं ये कहता हूँ कि आप 10 बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम आप 150 जो है ना वो दे दीजिए। और भी बढ़ा के दे सकते हैं जी, आप चाहे आप उसका खजूर का हिसाब लगा लें कि खजूर की आप कीमत तय कर लें और वो 3 किलो खजूर की कीमत आप पर हेड दे सकते हैं। अगर आप ज्यादा अल्लाह ने दिया है तो आप उसको किशमिश की कीमत लगा के दे सकते हैं। अच्छा, तो वो खजूर की भी एक कीमत है, वो खजूर 50 रुपए में भी है और 5000 में इजीली अवेलेबल है, आपकी पहुंच में जो चीज 10 रस में है वो ये आपकी डिपेंड करता है कि आपकी पेइंग कैपेसिटी पे। ईद नमाज से पहले पहले फितराना दे फितराना, उसके बाद फिर वो फितराने के साथ जनाब सिर्फ आम सदके की सूरत होगी, वो फितराना नहीं होगा फिर इस तरह, जिस जो उसकी फजीलत पहले है वो बाद में नहीं है। अच्छा, फितराना जो है बता के देना चाहिए या क्योंकि ऐसे बहुत से भी लोग होते हैं जो नहीं लेते, व्हाइट कॉलर होते हैं। वो हमने इलामा साहब से पहले भी बात की और अभी हम वापस आके आपसे ये पूछते हैं कि फितराना और ज़कात में क्या फर्क है, वही बात कि अगर फितराना हमने देना है तो। अच्छा, आप मुझे ये बताइए आगा शिराज जी, माशाल्लाह आपको हमारी ट्रांसमिशन कैसी लगती है, क्योंकि आप तो कराची में बैठे हुए हैं और वहाँ की बिग बजट ट्रांसमिशन भी देख रहे हैं। सर वो कहते हैं ना कि नीयत साफ होना, अगर बिजनेस में 1 रुपया लगाओगे तो अल्लाह उसके बाद 1 करोड़ देगा। तुम्हारी नीयत में ही फतूर है, तुम 1 करोड़ रुपए लगाओगे ना तुम्हें हमेशा नुकसान होता रहेगा। तो आई थिंक नीयतें आप लोग की साफ हैं, आप लोग के दिल साफ हैं, इस वजह से आज इतना मेहमान, और ये मेहमान जो है अल्लाह की रहमत है सर, बाकी बाकी और मेरा यहाँ पे आना ये एक लोहे महफूज में कितने अरबों खरबों साल लिख दिया गया था पहले, ये आज आगा शराज तूने पैदा होना है दुनिया में और इस दिन घड़ी अदील बरकी के सामने बैठ के बातें करनी और हमारे साथ अफतारी भी करके जा रही हैं आपने? नहीं, अफतारी बेगम के साथ करनी है क्योंकि वो होटल में बेगम और बेटा अभी भी मैसेज आया था, तो मैं फिक्र न कर मैं आ रहा हूँ मैं अभी। अच्छा चलें ठीक है, हम आपको जल्दी